So hello everyone, welcome back to the channel. So today we will continue with the chapter. This is Measures of Dispersion, Class 11, Statistics. So ये इसका पार्ट 5 है. सो हमने 2021 टू 22 के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कंप्लीट भी करेंगे. सो देखो हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट है. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मेन सारे कंप्लीट है. स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने कंप्लीट डिटेल स्टडी करवाई हुई है, आपको हर एक वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे. जस्ट हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. बहुत सारे चैनल पे ये वीडियो ज़्यादातर अपलोडेड नहीं होती है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की, बट मैंने सोचा ये टॉपिक आ जाता है कभी कभी पेपर में, सो हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे. सो देखो हम स्टार्ट करते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ. सो इस फॉर्मूला को देखिए, बिल्कुल भी नहीं घबराना. जैसे हमने किया नहीं था कंबाइंड मीन हम कैसे निकालते हैं, वैसे ही है ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अब देखो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मींस दिस इज द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू ग्रुप्स. अगर थ्री ग्रुप्स की होती तो हम 1, 2, 3 लिख देते, ये टू ग्रुप्स की है. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, n1 × स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1. N1 क्या है यहाँ पे, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट. फर्स्ट जो हमारी चीज है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स, उसकी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगी. सो वही यहाँ पे है. नेक्स्ट इज N2 इज नंबर ऑफ सेकेंड, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेकेंड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड. अब ये आता है D1. वॉट इज D1? इसको बताने से पहले, सबके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट दिया होगा, हमें उसका स्क्वायर कर देना है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड दिया होगा, उसका स्क्वायर कर देना है. ठीक है? और इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कर देना है. हम इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल 5 मिनट्स का टॉपिक है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, कुछ भी नहीं है. ये D1 अब कैसे निकलेगा, D1 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी कुछ भी नहीं है. कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कह सकते, बस इसको आपको याद रखना पड़ेगा D1 कैसे निकलता है. सो जैसे कि हमारे दो नंबर्स हैं यहाँ पे ग्रुप में, हम दो का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, अगर तीन का हुआ तो ऐसे निकलेगा. तो हमें क्या करना है डेविएशन ऑफ फर्स्ट निकालने के लिए, मीन ऑफ फर्स्ट टर्म. देखो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मीन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस मीन 1, 2, मतलब कंबाइंड मीन में से हमें माइनस करना है मीन ऑफ फर्स्ट टर्म. अब इसको समझो, कंबाइंड मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन ऑफ फर्स्ट टर्म तो हमें क्वेश्चन में गिवन होएगा, हम कंबाइंड मीन हमें निकालना पड़ेगा. और कंबाइंड मीन मैंने आपको करवाया हुआ है पिछले चैप्टर्स में, कंबाइंड मीन हम कैसे निकालते हैं. अब देखो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है ये, दिस इज कॉल्ड कंबाइंड मीन. अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन 1, 2. अब 1, 2 का मीन कैसे आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ वन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, मीन ऑफ वन वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, मीन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ टू ये भी हमें, ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, बस हमें फॉर्मूला याद करना है और वैल्यूज पुट करनी है. अब देखो हमें क्या करना है, अगर हमें दिया होता मीन ऑफ 1, 2, 3, मतलब अगर हमें ऐसे दिया होता स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 3 टर्म्स निकालने होते तो हम कैसे निकालते, हम क्या करते यहाँ पे एक और एडन कर देते. यहाँ पे क्या करते, n3 × स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 3rd का स्क्वायर प्लस n3 d3 का स्क्वायर. मतलब ये चीजें हमें ऐड ऑन करती रहनी है जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म बढ़ती जाएंगी. और फिर हमें क्या करना, मीन को भी 1, 2, 3 करना है, इसमें भी हमें एक और एड ऑन कर देना है, n3 मीन ऑफ 3 प्लस n3. मतलब ये चीजें ऐड ऑन करती रहनी है. इसके फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस n3 आ जाता अगर 3 टर्म्स का होता. मैं आपको सिखा रही हूँ ये, ठीक है? अगर 3 टर्म्स का होगा तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, 2 टर्म्स का दिया हो तो हमें ऐसे. जितने मर्जी टर्म इंक्रीज होते रहे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमने जस्ट क्या करना है, एक इसको ऐड ऑन कर देना, यहाँ पे 4 आ जाएगा अगर 4 टर्म्स हो जाए तो, ये ऐड ऑन कर देना और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ऐड ऑन कर देनी है. आपको जस्ट क्या करना है, 2 का फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आपने खुद ऐड कर देना है. यहाँ पे क्या n1 तो यहाँ पे n3 आ जाएगा, मीन ऑफ फर्स्ट मीन ऑफ 3rd आ जाएगा उसका स्क्वायर. इसको देख के आपको पता चल जाएगा आपने क्या ऐड ऑन करना है. फिर तब हम D1 और D2 कैसे निकालेंगे ये याद रखो. D2 हम निकालेंगे मीन ऑफ 2 माइनस मीन ऑफ 1, 2. अगर 3 टर्म्स होगी तो मीन ऑफ 1, 2, 3. मैंने ये भी बता दिया हमने मीन में क्या ऐड ऑन करना है. चलो बस अब ये सब छोड़ो, अगर ये अभी भी समझ नहीं आया हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. चलो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और सब कुछ क्लियर करते हैं. तो इसमें हमें क्या बोला, 2 सैंपल्स हैं ऑफ साइज 100 और 150. तो 100 और 150 हमारे क्या है, n1 n2. हमारे क्या दिया, 100 150. 2 सैंपल्स का हमें साइज दिया हुआ, इसका मतलब n1 n2 दिया हुआ है. रिस्पेक्टिवली हैव मीन्स, मीन्स मीन्स हमें मीन दिया हुआ है फर्स्ट टर्म का 50 एंड सेकेंड टर्म का क्या दिया हुआ है 60. देखो हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें जस्ट फॉर्मूला को याद रखना और उसमें वैल्यूज पुट करनी है. एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 5 और 6, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है. ये स्टैंडर्ड डिवीजन इज 5 एंड सेकेंड का क्या है 6. फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ कंबाइंड सैंपल.
अब देखो अगर इन्होंने हमें ना दिया होता कि हमें मीन कंबाइंड फाइंड करना है, फिर भी हमें कंबाइंड मीन फाइंड करना पड़ता डी वन निकालने के लिए। सो अभी भी हम फाइंड करेंगे। सो देखो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, डी वन चाहिए। डी वन हम कैसे फाइंड करते होते थे, फर्स्ट का मीन माइनस मीन ऑफ कंबाइंड। क्लियर? सब मीन ऑफ कंबाइंड हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले मीन ऑफ कंबाइंड निकालते हैं। इसको मैंने आपको निकालने का तरीका सिखाया था, एन वन इंटू मीन ऑफ वन प्लस एन टू इंटू मीन ऑफ टू। अगर ऐसे थ्री टर्म्स होती तो हम क्या करते, प्लस एन थ्री इंटू मीन ऑफ थ्री। क्लियर? अभी टू टर्म्स है, सॉरी अभी टू टर्म्स है तो ये दो का ही होगा। क्लियर? सो देखो एन वन इंटू एक्स वन, एन वन इज दिस, एक्स वन इज दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 5000 प्लस एन टू इज दिस, एक्स टू इज दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 15690 and 00। एन वन प्लस एन टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब मल्टीप्लाई नहीं एड ऑन करो, 100 प्लस 150 इज 250। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 250। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 9 प्लस 5 इज 14। सो ये क्या आ जाएगा हमारा, 14000 अपॉन 250। सो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 1400 अपॉन 25 इज 56। सो दिस विल बी 56। आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू। हमने क्या किया, बस एक्स वन मतलब मीन कंबाइंड मीन का फॉर्मूला डाल दिया, उसमें वैल्यूज पुट कर दी। अभी तक हमने कुछ निकाला तो नहीं, अब हम निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, डी वन। हमें क्या चाहिए, डी वन चाहिए और डी टू चाहिए। डी वन आएगा मीन ऑफ फर्स्ट माइनस मीन ऑफ वन मतलब कंबाइंड मीन। नेक्स्ट इज ये आएगा मीन टू मतलब माइनस मीन ऑफ कंबाइंड। यहाँ पे कंबाइंड मीन से हमें माइनस करना। अगर थ्री टर्म्स होंगी तो हम क्या करेंगे, मीन ऑफ वन टू थ्री। और अगर यहाँ पे थ्री टर्म्स होंगे क्या करेंगे, हम डी थ्री भी लगा देंगे और उसमें मीन ऑफ थ्री भी हमें दिया होगा क्वेश्चन में। मैं साथ साथ में आपको क्लियर कर रही हूँ कि आपको थ्री टर्म्स आ जाए, फोर टर्म्स आ जाए, फाइव टर्म्स आ जाए तो आपको आगे कैसे करना है। क्लियर? सो सबसे पहले मीन ऑफ वन क्या है, 50। सो 50 माइनस 56। नेक्स्ट इज मीन ऑफ टू क्या है, 60। 60 माइनस 56 दिस इज 4, दिस इज माइनस 6। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है हमारा कंबाइंड मीन निकालने के लिए। सो कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एन वन इंटू स्टैंडर्ड डिविजन वन का स्क्वायर प्लस एन टू इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ टू का स्क्वायर। अगर थ्री होता तो एन थ्री इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ थ्री का स्क्वायर। अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम, एन वन इंटू डी वन का स्क्वायर प्लस एन टू इंटू डी टू का स्क्वायर। तो अगर थ्री टर्म्स होती तो एन थ्री इंटू डी थ्री का स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू। और अगर एन थ्री होता तो एन वन प्लस एन टू और प्लस एन थ्री। तो साथ साथ में क्लियर हो रहा है, आई होप सो आपको सब कुछ। हमें जस्ट क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। एन वन हमारी कितनी है, 100। स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है हमारी, ओके 5। सो 5 का स्क्वायर प्लस एन टू कितना हमारा, 150 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू कितना, 6 का स्क्वायर प्लस एन वन कितनी हमारी, 100 इंटू डी वन कितनी आई हमारी, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस एन टू हमारी कितनी है, 150 इंटू डी टू हमारी कितनी आई है, 4 का स्क्वायर। सो ये एन वन प्लस एन टू हमारी कितनी आ गई, 250 आ गई थी हमारी वैली। सो ये अब अंडर रूट करके आपको जस्ट वैल्यूज निकालनी है। दिस इज विल बी 2500, ये क्या होता है 36, दिस विल बी 5400 एंड दिस विल बी 3600 एंड 4416 दिस विल बी 2400 अपॉन 250। ओके आपको दिख नहीं रहा, ओके सो दिस नेक्स्ट इज अंडर रूट हमें दोबारा कर देना, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करके आ जाएगा 13900 अपॉन 250 इज इक्वल टू अंडर रूट 55.6, जिसका आंसर हमारा आ जाएगा 7.46। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। हमने सबसे पहले क्या किया, हमें सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होएगा, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होएगा। हमें जस्ट क्या करना है, डी वन फाइंड करना है। डी वन के लिए हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए, कंबाइंड मीन चाहिए, कंबाइंड मीन। अब वो चाहे एक टर्म का हो, चाहे दो टर्म का हो, चाहे थ्री टर्म्स का हो, हमें क्या करना है, टर्म एड ऑन करके जाने। यहाँ पे डॉट 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 लगा लिया करो। क्लियर? अगर हमें थ्री टर्म्स का चाहिए, हम क्या करेंगे, एन टू मीन थ्री अपॉन एन थ्री। क्लियर? ये यहाँ पे एड ऑन कर देंगे दोनों जगह। क्लियर? अगर ऐसे इसका थर्ड टर्म चाहिए, देखो ये याद रखो क्योंकि थ्री टर्म्स का भी आ सकता है, जरूरी नहीं यही आएगा। क्लियर? सो दिस विल बी एन थ्री। नेक्स्ट इज मीन थ्री का स्क्वायर प्लस एन थ्री डी थ्री का स्क्वायर अपॉन एन थ्री, मतलब यहाँ पे एन थ्री ऐड कर देंगे। ये दोनों चीजें आपको ऐड ऑन करती जा रही है। आई होप सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कंबाइंड मीन इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो,
कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। हो ही नहीं सकता अगर मैं आपको रिप्लाई ना करूं, आपको बहुत कम टाइम में आपको रिप्लाई आ जाएगा। ओके, सो अब हम वेरिएंस टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं सो दैट हमारा ये चैप्टर जल्द से जल्द खत्म हो जाए, बिकॉज बहुत छोटा टॉपिक है वेरिएंस भी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वेरिएंस। कुछ भी नहीं है वेरिएंस, वेरिएंस इज व्हाट, इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। सो इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एक किसी भी मतलब सीरीज का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, आपका वेरिएंस आ जाएगा। ओके, एक और चीज, इट इज फर्स्ट यूज बाय आर ए फिशर। इसको भी आप, इस नेम को भी याद करके रखो। अब देखो, कोई भी फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन का, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्टिन्यूस सीरीज का फर्स्ट फॉर्मूला था ई एक्स माइनस मीन अपॉन एन, मीन्स ऐसे स्क्वायर था। तो हमने जस्ट क्या किया वेरिएंस में, ये जो अंडर रूट है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाता है, ई एक्स माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। लॉजिक पता चला हमने क्या किया, इसको जस्ट उधर जाके स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया हमारा, ये वेरिएंस का फॉर्मूला आ गया। आपने वेरिएंस का फॉर्मूला अब दोबारा नहीं लर्न करने, कोई बात नहीं, क्या लर्न क्या करना है इसमें, अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या जस्ट करो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, आपका वेरिएंस आ जाएगा। और यू कैन डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, आपका कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, आप जितने मर्जी फॉर्मूला देख लो अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के, सबके यहाँ पे रूट लगा होगा। आपने जस्ट क्या करना है, रूट को उधर भेज दो, जितना फॉर्मूला यहाँ पे बच गया आपका वो वेरिएंस का फॉर्मूला है। लेट मी शो यू नाउ, सी दिस इज योर शॉर्टकट मेथड ऑफ योर स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या करो, जस्ट इस रूट को उधर भेज दो, ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा। दस इस रूट को क्या करो, उधर भेज दो, ये देखो ई एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ई एफ डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। देखो एक और चीज है, ये उधर जाके स्क्वायर कर दो, या फिर एक और चीज कर सकते हो आप, हमने क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना, तो क्या करेंगे हम बोथ साइड स्क्वायरिंग डाल देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग डाल देंगे, तो स्क्वायर के साथ क्या होता है, रूट कट जाता है, रूट कट जाता है, तो यही हमारा फॉर्मूला आ गया हमारा वेरियंस का। समझ आया मैंने क्या किया, हमने किया बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो स्क्वायर के साथ रूट कट जाता है, तो यही हमारा फॉर्मूला आ गया वेरियंस का। और यू कैन डू इट लाइक दिस, सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएंस। हमने क्या किया था, जस्ट हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आई होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो अकॉर्डिंग टू 2022 के सिलेबस, 2021 टू 22 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया है। हमने चार टॉपिक्स अच्छी तरह कवर कर लिए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, नेक्स्ट पार्ट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड चौथा इज वेरिएंस। हमारे ये चार टॉपिक्स अच्छी तरह क्लियर हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।